गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 76 पे ये वाला टॉपिक मैंने बाकी रखा था, आज मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, देखो इसमें क्या है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1, 2 and 5 इन डिफरेंट वे एज पर एग्जाम्पल। समझ में आया? देखो यहाँ 1 रुपी आपको किसी को देने हैं तो आप 1 रुपी का कॉइन दोगे। अब 2 रुपीज़ देने हैं तो आप 2 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हो, लेकिन आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो, 1 रुपी का 2 कॉइन दे के आप 2 रुपीज़ दोगे। ओके, फिर 3 रुपीज़ देना है आपको और आपके पास 2 का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है तो आप क्या करोगे, 3 रुपीज़ देना है तो 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपी का कॉइन आप दोगे, बराबर। फिर 3 रुपीज़ आप अलग कौन से तरीके से दे सकते हो, वन रुपी के 3 कॉइन्स दे सकते हो। ओके, अभी आपको 4 रुपीज़ देने हैं तो क्या करोगे आप, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन आप दोगे। फिर दूसरी तरफ 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, 1 रुपी के 2 कॉइन दोगे। फिर और कैसे तरीके से आप 4 रुपीज, देखो और कैसे दे सकते हो, 1 रुपी के 4 कॉइन देकर भी आप 4 रुपीज दे सकते हो। अभी 5 रुपीज आपको देना है तो क्या करोगे आप, 2 रुपीज के 2 कॉइन और 1 रुपी का 1 कॉइन। ओके, फिर 5 रुपीज का कॉइन देकर भी आप पैसे दे सकते हो। फिर यहाँ पे 5 रुपीज तो 1 रुपी के 5 कॉइन्स भी दे सकते हो। फिर 2 रुपीज के और 1 रुपी के 3 कॉइन्स दे सकते हो। इस तरह से आज आपको ऐसे ड्रॉ करना है और अपने आप पूरा ये टॉपिक यहाँ तक करना है, ये वाला टॉपिक बाद में करेंगे। ओके, पेज नंबर 76 पे मैंने आपको 5 तक करवाया है, आगे का ये वाला आपको अपने आप करना है। आप कैसे दोगे, आपके पास कितने हैं, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपीज़ का है और 5 रुपीज़ का है, और आपको कैसे देना है वो आपको अच्छी तरह अपने आप सोच कर करना है। ओके, बस आज के लिए आपका यही होमवर्क है। थैंक यू।